तो कल महापौर और पार्षद दीनदयाल उपाध्याय के इस ऑडिटोरियम में शपथ लेने वाले हैं और जिस शपथ के लिए यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही है। यहाँ पर खुद नगर आयुक्त नितिन गौड़ मौजूद है जो कि व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। नितिन जी, कल फाइनली वो दिन है जब महापौर और पार्षद शपथ लेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ आपके और पे कर ली गई है? जी, कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो स्थान निर्धारित है, जैसे कि सबको पता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, मंच व्यवस्था, ऑडिटोरियम व्यवस्था, मीडिया के स्थान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वॉशरूम, टॉयलेट, पार्किंग, सेफ्टी सिक्योरिटी के सभी पैरामीटर्स का परीक्षण कर लिया गया और हमें पूर्ण आशा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा और सम्मानपूर्वक ढंग से संपादित किया जाएगा। कितने लोग यहाँ पर आ पाएंगे कल और क्या व्यवस्था लोगों के लिए की गई है? यहाँ पे 900 के अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके लिए सूक्ष्म लघु जलपान होगा, उनके अंदर बैठने के लिए वातानुकूलित ऑडिटोरियम में जगह होगी और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे समुचित होगी और हम आशा करते हैं कि किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने दी जाएगी। तो अब सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा की दृष्टि के लिए हम निपुण जी पे जाएंगे और उनसे हम थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में समझ लेंगे। सर, कल भीड़ भी आएगी, कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो अपने पार्षद या महापौर को देखने के लिए उमड़ेंगे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, लगभग 1000 से ज़्यादा का क्राउड एक्सपेक्टेड है। हम लोगों ने नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करके जो भी इन लोगों ने इनविटेशन कार्ड दिया उसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी रहेगी। तो एक्सेस कंट्रोल पे DFMD रहेंगे, सादे में ड्यूटियाँ रहेंगी, महिला पुलिसकर्मी रहेंगी। जिसके पास भी इनविटेशन कार्ड रहेगा खाली उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। साथ ही साथ जो गाड़ियों को रेगुलेट करने के लिए हमने ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट दिया है, पार्किंग कैंपस के अंदर भी रखी गई है, बाहर भी रखी गई है, सादे में ड्यूटियाँ दी गई हैं और फायर का भी हमारा जो CFO के माध्यम से हमने प्रॉपर ड्यूटीज का डिप्लॉयमेंट दे रखा है। एक आखिरी सवाल, इन वक्त पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और जो नॉर्मल ऑडियंस है वो भी इससे परेशान होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? मैं प्रॉपर हमने VVIPs के लिए, मीडिया के लिए, सभासदों के लिए और जो उनके साथ में जो उनके परिवारगण आएंगे उनके लिए, सबके लिए पार्किंग की कैंपस के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ और लगभग 100 गाड़ियों की बाहर कैंपस के व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है। तो ये थे निपुण अग्रवाल जो बता रहे थे कि किस तरीके की पार्किंग व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा नगर निगम ने भी अपने स्तर पर तैयारियों को मजबूत कर लिया है।